हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पटवारी तमन्ना ब्लॉग्स। सो गाइस, कल रात को हम बहुत सोए लेट। कल मैं आई थी या हिमाचल और बहुत ज़्यादा हम लेट सोए। हम सोए 2 की बजे, है ना। तो और उसके बाद मम्मी ने भूत पात की बातें सुनाई तो मेरी भाभी भी डर गई। भाभी भी रोई, डर गई थी वो, और मैं भी डरती हूँ पर थोड़ा भाभी से कम। पहले मैं सोचती थी मैं ज़्यादा डरती हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी भाभी ज़्यादा डरती है और मैं मस्त अभी लेटी हुई हूँ। 9 बज रहे हैं, अभी उठूँगी, मुंह हाथ धोऊँगी, ब्रश वगैरह करूँगी। सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में। नहाऊँगी, ब्रश वगैरह करूँगी मस्त, उसके बाद जाऊँगी मैं आज जिम का पता करने। सो गाइस, आज मैं जिम का पता करने जाऊँगी, 2-3 जगह जिम का पता करूँगी। और जो बढ़िया लगा, जहाँ पे गाड़ी पार्क अच्छे से हो सकती है, पार्किंग वगैरह है, वहाँ पे लगूंगी जिम। मैं उठ गई हूँ गाइस, कहाँ गए रे सारे? मम्मी भाभी कितने? सो गाइस, भाभी नहा रही है। जब उठते हैं उनको, आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ उनका, कि रात वो कैसे डरी, रो के भाग गई वो। आय हाय, कम हियर। कह रहे मैं भूत नहीं लग रही, अभी मुझे ब्लॉग में मत ले। रात तो ही पाबी नसाई रुआ के बुरा हाल। देखो गाइस, जेडे सुंदर बंदे उन्हें लोड नहीं होंगी सवेरे मुंह हाथ धोने। मैं कुछ सुंदर, हम सुंदर है तभी तो आपको सुंदर है। मेरा बाप सुंदर था, मैं अपने बाप पे गई हूँ। मेरे बाप सुंदर गाइस, आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें इन्होंने खुद बोला कि हाँ तुम अपने बाप पे गए हो। अब ये सवेरे बंदे सवेरे क्या क्या मुकर जाते हैं पता नहीं। सो गाइस, अब मैं जाऊंगी घूमने। ओहो, सवेरे सवेरे मुझे ये लचपच बिल्कुल नहीं पसंद। क्या हाँ टेक दी नहीं। सो गाइस, स्टे ट्यून, भाभी आएगी, रोंदू भाभी मेरी पर आपको ज़रूर बताएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस अच्छे से शेयर करेंगे आपको। और मैं हो रही हूँ अब रेडी, मैं जा रही हूँ घूमने। बाय, स्टे ट्यून गाइस। मैं राती ज़्यादा डक लिया सी तो मेरा बुरा हाल है, क्योंकि मैंने वॉमिटिंग करने दिल कर रहा है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा डाइट नहीं है और मैंने रात ज़्यादा खा लिया और मैंने ट्रैवल करते हुए रास्ते में भी बहुत ज़्यादा खाया। सो गाइस, अब मैं यहाँ थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ कि थोड़ा पच जाए मेरा खाया पिया। हाय गाइस, एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग। रात डर गए थे है? हाँ। इतने क्यूट लग रहे थे रोते हुए। मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बुलाया, मैंने मिस कर दिया गाइस, इतना क्यूट। रात को गाइस इन्होंने वॉशरूम भी जाना था, फोन आया जगे हुए, मैंने वॉशरूम जाना था, वॉशरूम भी रुक रखा था कल करके हमारे। तो गाइस, आज हम मैं जा रही हूँ घूमने, फिर मैं खाने के लिए लाऊंगी भाभी के लिए कुछ मस्त सा। गंदा ही है बोला उन्होंने, सुनता है ना। हाँ हाँ, मॉर्निंग महाशय उठ गए हैं। पकड़ो मैम, ब्लॉग बनाओ मेरे और मेरे मैक्स को। क्या करना है, रेड दे दबाना? दब गया, दबे होना नहीं, दबिया मैं ही दबिया। अच्छा चल, हाँ ये देख, दिख ले, हाँ चल रही है। सो गाइस, ये महाशय उठ गए हैं सवेरे सवेरे। इधर आओ मेरे पास, इधर मेरे पास आओ। सीट 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 बैठ दन कद्दू। चीजी खानी सिट ता खान दे नाम पे तो बड़ा तेन बहना होंगे। आगे
यार मजा हो था गाइज मैं चली खाने की, तो ऐसे ही करता रहेगा। बाय बाय। मैं आपको मिला, मैं तो हो गई हूँ रेडी। मैं आपको मिलाना चाहती हूँ बहुत ही स्मार्ट लड़के से। आ गया गाइज, बहुत ही स्मार्ट लड़का है। हम घूमने भी जाएंगे, इनकी छुट्टी नहीं होती है। आ जाओ सर। सर भाग रहे गाइज, देखो ये है मेरा भाई गाइज, स्मार्टी देखो। ओह चश्मा ना इनका। हाय हाँ, तू बता क्या हाल है तेरे। गाइस आज खा लूंगी बस, कल से डाइटिंग करूंगी। आज लास्ट 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 है मैम, कल से मैं डाइटिंग करूंगी। ठीक है ठीक है, आज लास्ट है बस। सो गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल टिप टॉप रेडी, और मैं जा रही हूँ जिम का पता करने। जिम लगूंगी आज, करके आऊँगी जिम का पता। सो गाइस आज करूँगी जिम का पता। मैं हो गई हूँ टिप टॉप रेडी, सो मैं जा रही हूँ। कैब बुक करवाई है मैंने, मैं जितने दिनों यहाँ पे, मैंने पर्सनली 10 दिन कैब बुक कराई अगर यहाँ वहाँ जाना हो। अदरवाइज़ हमारे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी खुद चला के ले जाती हूँ। ब्लॉग के साथ बने रहना, जहाँ जहाँ गाँव जाऊँगी ब्लॉग रील सुनाऊँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। बाय बाय। तो गाइज मैं आई हूँ बहुत ही सुंदर लोकेशन में, मतलब अभी बहुत सुंदर वाली लोकेशन में नहीं गई हूँ, नॉर्मल लोकेशन में हूँ। मैंने यहाँ पे सुना है सारे बोलते हैं यहाँ पे खड़के वीडियो फोटो बनाते हैं लोग यहाँ पे, कि पीछे से व्यू बड़ा अच्छा आता है। अभी तो कम आ रहा है, मैं जाऊँगी दूसरी लोकेशन में। मम्मी और भाभी नहीं आए क्योंकि मेरे को काम था, मैं इसलिए आई थी यहाँ पे, वो आएंगे शाम को। तो गाइज स्टे ट्यून ब्लॉग के साथ बने रहना, जो जो घूमेंगे फिरेंगे जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं ब्लॉग बना रही हूँ, स्टे ट्यून। मैं यहाँ आई थी घूमने, बट मेरे साथ हुआ बहुत ही गलत। गाइज यहाँ पे हो रही है बड़ी ज़ोरों से बारिश, मेरे साथ बहुत गलत सीन हो गया गाइज, ये देखो आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पे इतनी रेडी शेडी होके आई, ब्लॉग्स बनाऊंगी रील्स बनाऊंगी, बट ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो गाइज ये है मैक्लोडगंज, और यहाँ पे बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। देखो गाइज व्यू देखो, चेक करो। मुझे अब गाड़ी में बैठना पड़ रहा है, इतनी ज़ोर से बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। गाइज मैं यहाँ पे बहुत बहुत प्यारी लोकेशन में आई। हम गए तो वहाँ पे वाटरफॉल में थे, बट वहाँ से हमें वापस आना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ लगी थी। साला समझ नहीं आ रहा है यहाँ का मौसम, वहाँ से यहाँ 5 मिनट का रास्ता हमने तय करा तो यहाँ पे बारिश शुरू कर रखी है। देखो गाइज बहुत ही मस्त मौसम हो रखा है, देखो बहुत मस्त मौसम हो रखा है। साला समझ नहीं आ रहा यहाँ घूमने भी जाएं तो कहाँ जाएं, 2 मिनट का रास्ता तय करते बारिश हो रही है, 5 मिनट का रास्ता नीचे उतरते हो तो बारिश रुक जा रही है। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, फिर ही रही हूँ मैं सवेरे से। जहाँ भी जाएंगे वो आपको सारा कुछ ब्लॉग में दिखाएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैंने वापस जाना है तो मैं कालिया को यहाँ पे बुलाऊँ, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। कालिया फ्री हुआ तो आ गया, आ जाएगा, फ्री तो फ्री ही रहता है वो। सो स्टे ट्यून गाइज, पूरा मैं आपको रोज बताया करूंगी कि मैं जितने दिन रही मैंने क्या क्या करा। बारिश लगी, देखो गाइस मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा, धीरे धीरे बारिश आ रही है। तो ब्लॉग के साथ बने रहो। और हाँ मेरे को कमेंट में भी आया था एक दो के कमेंट की हिमाचली में ब्लॉग बनाओ, तो हिमाचली जो हिमाचली लोग मुझे देखते हैं हिमाचली में ब्लॉग बनाऊंगी, जिसमें सारी ब्लॉगिंग हिमाचली में होगी, जिसमें मेरी मम्मी भी हिमाचल में बोलेगी, मेरी भाभी को वैसे कम आती है वो, उनको भी कोशिश कराएंगे, मेरा भाई तो बोलता ही है। सो गाइस स्टे ट्यून, चेक कर व्यू साडा, चेक कर। गाइस अब मैं आई हूँ कुछ शॉपिंग करने। ये लाइट लगा है, बटन लगा है अंदर जी, लाइट लगी सर आपके पीछे लगी सर। यहाँ पे लूंगी मैं मस्त टी शर्ट्स वगैरह। तो गाइस मैंने करी शॉपिंग थोड़ी बहुत, यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन मिलती है, तो मैंने अपने ब्रदर के लिए करी शॉपिंग, अपने लिए करी शॉपिंग, और
और क्या बोलने लगी थी यार, भूल गई। हाँ, मज़ा आ रहा मुझे अकेले घूमने में बहुत ज़्यादा। मस्त कैब कराओ, घूमो। और क्या, अभी मैं जाऊंगी घर। सॉरी, अभी मैं लूंगी मटन, क्योंकि मौसम इतना बढ़िया है, मेरा मटन खाने का मन कर रहा है। अब मैं जाऊंगी घर, फिर लूंगी मटन। घर नहीं, सॉरी, मार्केट में जाऊंगी, फिर लूंगी मटन। फिर अपना जिम का पता करने जाऊंगी। यहाँ जिम बहुत दूर पड़ रहा है, पुराना जिम, मुझे वहीं जाना पड़ेगा। फिर मैं जाऊँगी मटन लेने, फिर जिम का पता करूँगी, फिर देखते हैं। सो गाइस, मैं आई हूँ शॉप पर क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अब लूँगी यहाँ पर कुछ खाने के लिए। कुछ खाने को मिलेगा यहाँ? क्या मिलेगा बताओ? और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, एक बड़ी कोक दे दो। अच्छा, रहने दो, बड़ी कोक रहने दो, नॉर्मल वो दे दो। नीचे हेल्थ पड़ी है ना, हेल्थ। हाँ, क्या नाम है आपका? निशान। एक हेल्थ दे दो। ठंडी दी वो पड़ी थी वहां पे रेड कलर की। हाँ, वो देख नीचे खोल। हाँ, वो नीचे पड़ी है ना, ये दे दे। गाइस, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। मिनट में मौसम कैसा हो जाता है, मिनट में कैसे धूप आ गई, मिनट में कभी बारिश होती है, कभी कुछ उल्टी आई सीधी। और खाने को अभी बन रखे मोमोज? कितने की है? 60 की का है, देखे तो उसमें कम है। नहीं, 60 की है भाई, लड़के को सब पता है। हाय बोल दे। हाय गाइस, इस छोटू को सब पता पैसों पैसों का, कितने लेने, कितने कितने बने थे। गाइस, अभी मैंने यही लिया क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है सवेरे से। अब मैं चली। सो गाइस, मैं जिम आई थी पूछने, यहाँ पे इतनी दूर में जिम आई पूछने। घर के बीच में जिम बनाया हुआ है इन्होंने और मुझे पसंद नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक। सो गाइस, मैं यहाँ जिम का पूछने आई थी, चढ़ी जगह का नाम है। वहाँ पे दो जिम है, एक जिम यहाँ इतनी दूर हम आए, पर मेरा दिल टूट गया। घर तो बड़ा सुंदर था, मैंने बोला चल बढ़िया होगा जिम। जब हमने देखा गाने भी मस्त चल रहे थे। जब मैं गई भाई, ऐसी मैट सी बिछा रखी है, वो मैं दिखा नहीं पाई, गाने चल रहे थे, नॉर्मल जिम था। अब मैं जा रही हूँ किसी और जिम में पता करने, अगर नहीं कहीं बात बनी तो मैं अपने जिम में जाऊँगी। ऐसे मैं वहीं पर ही खुश हूँ धर्मशाला में, बट वो मुझे बहुत दूर पड़ता, तो मैं कुछ अलग करना चाहती थी इसलिए मैं आ रही थी। बट स्टिल देखो, अभी दूसरी जगह जिम पे देखते हैं, स्टे ट्यून, फिर घर जाएंगे हम। गाइस, एक ये जिम है अभी मैंने देखा है यहाँ पे, ये भी मुझे इतना पसंद नहीं आया। मैं जिम ही ढूंढ रही हूँ यहाँ पे कब से, बहुत खज्जल हो रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा। अब मुझे लग रहा है मुझे उसी जिम में जाना पड़ेगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आऊंगी। मैं चंडीगढ़ में काम छोड़ के अपना फोन का कवर डलवाया और मैंने स्क्रीन गार्ड लाया, सामान भर भर के लेके जा रही हूँ, थक गई हूँ बहुत, बुरा हाल है गाइस। हाय बेबी, नहीं जानते मुझे, जानते। क्या नाम है? मनी बुआ, ऐसे मत बोलो, जोर जोर से झूल। चल देखते कौन जीता, चल 1 2 साढ़े पीछे ना डिगे हो, 3। ओए ओए, ध्यान से गिरना मत। ओ गाइस, ओवरफ्लो, मम्मी बच गया। बस 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 बस, प्रांशु जीत गया, प्रांशु बोल रही हूँ, मैं नाम भूल गई हूँ। क्या नाम था? अर्षित। और उसका? इसका अर्षित है, मेरा अचमन। दोनों जीत गए भी, दोनों जीत गए। बस 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 बस, सिर घूम जाना नहीं था। मम्मी कहाँ है? ओके, बाय बाय, बोलो बाय। गाइस, ये बहुत ही सुंदर बहू है, आप देख सकते हो, ये है मेरी आरती पडली और प्यारी और सबसे सुंदर भाभी। किधर? चुप हो जा। कोई काम नहीं, इधर बैठो, पैसे होने। पहले 10 में गई सी, मेरे जी लग गया सी, मेरी बूढ़ी ना मेरे बिना। हैं? लग गया था। चलो फोन कर दिया, मेरा फोन कितने, मैं बुलावा, मैं जावा, जाओ जावा ना, जाना नहीं, पर दिल लगी है। नहीं लगा, मजाक कर रही। मैं तो आपे सो, तो ये मैं उन उठी, एक सोण का काम खा लिया, सो लिया, तोड़ के हग लिया, खा लिया, सो लिया, हग लिया, आई काम है बस। अब मैं आ गई हूं ना, तो जल्दी किचन में जाओ और जल्दी से मटन बनाओ,
बेल्ट खोलो मेरी जल्दी खोलो जल्दी बेल्ट ऐसे खोलो बटन से बेल्ट खुलती है समझ आया आज मेरी गुगड़ी मैनू तेरी बहुत याद आउंदी सी कल तो मैं चली फिर होगी गल मेरी कल तो मैं चली सी एच डी चंडीगढ़ और हां मेरी गल होगी मैं तो चली हां फ्लैट फ्लूट रेडी हो गया आ गया फोन बस चली मैं ओनर दा फोन आ गया कहंदे फ्लैट बन गया जी आ जाओ तुसी ते जाना पौना पेमेंट देनी पौनी ना अपना ध्यान रखी चंगा चुप कर क्यों चुप कर तू आई गये तनी आना हा तो फिर मैं आई सी मैक्स मिल और अच्छा ती अगर मिल गए चली पो इसी ले नफरत करती है देखो गाइस इतना प्यारा सा बच्चा है देखो मैक्स मैक्स मैं बड़े नु खान लिया बहुत है इधर देखो हाल कुड़ी बाहर आई है थक के पानी पूछ लिए जिन्हें प्याणा कहते बेटा पांच मिनट बैठो अभी पानी लेके आई पर नहीं सेंस ही नहीं है हसी दी गल नहीं सेंस नहीं है छड़ता लियो मैं छड़ मैं लियो ना ये अच्छे से ट्रे में पानी उसके बाद आप लाओ कोल्ड ड्रिंक देन बादाम काजू और नमकीन बिस्किट जो भी है अगर तुम्हारे डिड से बचाओ तीनों के तो ले आओ सुन गया गो एंड कौन हो जाओ जल्दी जल्दी जाओ जल्दी गाइस मैं इतनी थकी हूँ मेरे लिए दो ग्लास लाइए मैम इधर 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 मैम कहाँ जा रहे हो थैंक यू आओ मेरे पास इधर आओ मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ इधर बैठो जब भी तुम जाओ पानी लेने उनको पूछो कि चिल्ड पानी लोगे या नॉर्मल पानी लोगे एकदम आए ना ठंडा नहीं पीना ये नॉर्मल मैम आप गर्म अब मैं जब भी आऊँ तो मुझे पूछना मैम ठंडा पानी लोगे गर्म पानी लोगे उसके बाद पूछना कॉफी लोगे टी लोगे ग्रीन टी लोगे मेरा तनु आ गया ठीक है अच्छा आपको मैं नवी नवी चीजें सिखाऊंगी फिल्टर से लाओ ना पानी गुड तू बनाई बनाई के खानी है बड़ी बड़ी चीजें ओके ना बनाई बनाई के खाना खाना तो मेनू आंदा है खाना नहीं आंदा वो क्या होता है क्या था होता क्या अभी बताती हूं 1 2 ए इन्हें पाएंगी तू की ना देखो गाइस कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाई मैं अपने भाई के लिए अभी हम और भी शॉपिंग करेंगे बहुत सारी जितने दिन रहेंगे शॉपिंग ही करेंगे बस ये छुट्टी ले ले बस अरे भाभी के लिए मैं लाई लसन और टमाटर मेरी नु तू लसन कने ले आई देख तोडे लिए के ले आई होनी सोचो आज मैं तो तुसी कौन हो गए नटी ना कौन ही है ऐसे ना बोलो आपसे सबसे ज्यादा प्यार है सपोर्ट करने वाले आप ही हो टमाटर का मूल पता कितने महंगे लोग टमाटर नहीं सी लेते उधर शिवनगर किधर लगे शिवनगर लगे सो गाइस मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं पानी लेने किधर जाते हैं जो हिमाचल के लोग ब्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि बोड़ी होती है बोड़ी जा रहे हैं और बनाएंगे और बताएंगे आपको कि बोड़ी कैसी होती है कैसे क्या होंगी उससे सोना लग गया उनको क्या पता बोड़ी पता है जो हिमाचली लोग जो और एज यूजुअल मैं घर से एक घंटा लगा के आ गई और ये वैसे ही घूम रहे हैं बना ली ये वैसे ही कर रहे हैं हाय हाय देखा ये वैसे ही अभी तक वैसे ही घूम रहे हैं वैसे ही झूला झूल रहे हैं गाइस यहाँ पे लोग ऐसे नहाते भी हैं ये है खड्ड देखो गाइस यहाँ है बोड़ी इधर लेने आते हैं पानी ये बोड़ी बंद कर दी है क्या होती है मैम ये बोड़ी
बोरी नहीं बोड़ी 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 हाँ आप तो राजस्थानी बुली बोलते हो, कौन सी राजस्थानी बुली है आपके पास? पता है ये बोड़ी ना फिर अंदर चले जाते थे पानी गंदा हो जाता था, फिर अंदर से बोड़ी से ये पाइप अंडरग्राउंड अंदर बाहर निकाल दी है। अब पानी कहाँ से लोगे आप? पानी वो बाहर से। जाओ लो मैम, लो जाओ मैम पानी लेके आओ, यहाँ नहाते भी हैं लोग। चिप्स थी मम्मी की फ्रेंड मिल गई गोसिप। अंधेरा हो गया है, हमें इतनी दूर पानी भर, इतना अंधेरा वैसे इसलिए हुआ मम्मी की फ्रेंड्स मिल गई थी तो गुपसप 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 हो रहा था इनका। मम्मी तो ये गल्ला तो रजते नहीं है, गल्ला रजी आने के तू पे ही था इस पासे हो। मैं नहीं गिरती भाई, तुसी अपना ध्यान रखो, मैं फिसल गई सी शाम उधर, फिर बहुत ज्यादा स्लिपरी है गाइस। अब घर पहुंचे, मेरे लिए बना है मटन राड, बहुत टेस्टी, मेरी भाभी ने बनाया नहीं, मेरे भाई ने बनाया गाइस। अब मैं खाऊंगी मस्त, उसके बाद मिलते हैं गाइस, ब्लॉग के साथ बने रहना, बाय बाय। टेस्टी खाना था भाभी, मटन मुटन बहुत टेस्टी था, आधा थोड़ा मैं मटन देख के ढुकी, मैं आधा जब खा लिया उदो मैनू याद आया ब्लॉग बना रही है। ब्लॉग वधिया लग्या, लाइक शेयर सबसक्राइब करो। तो ये फर्स्ट ब्लॉग भी तुहानू दसता आपां कि मैं हिमाचल आई, वो भी तुहानू पूरा दस्या रस्ता, सैकंड डे मैं किया वो भी दस्या, जिन्ने दिन भी मैं इधर सारा कुछ तुहानू दसूंगी किधर गए किधर नहीं। बाकी आपां घूमण भी जावांगे वो दिखावांगे, ये घर की देखभाली करनगे सिर्फ मैं भाभी और मेरा भाई जाएंगे बस। ठीक है मैम, फिर आगे डायलॉग मारोगे कि सब तो पहले मैं ही आगे गड्डी च बैठी होनी। ओके गाइस बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।